नमस्कार सूर्य की रोशनी के सामने करना चाहिए। इसे हमें प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर इसको करने से जो सूर्य की किरणें हैं हमारे शरीर को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। सूर्य नमस्कार करते समय हमें कम और ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे जो सूर्य की किरणें हैं हमारे शरीर को स्पर्श कर सके। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ, जिनमें से पहला है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन को दोनों एड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए, मुंह एकदम आगे, हाथ एकदम फैले हुए होने चाहिए। प्रणाम आसन का मंत्र है ओम मित्राय नमः। इसके बाद हमारी दूसरी स्थिति है हस्तानासन। हस्तानासन में हमारी एड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए, हाथ को ऊपर ले जाते हुए कमर को जितना मुंह झुका सके उसको झुकाते हुए यह आसन किया जाता है। इसका मंत्र है ओम रवैये नमः। इसके बाद हमारी तीसरी स्थिति है हस्तपदासन। हस्तपदासन में हम लोग को नीचे जाना है, हाथों के बीच दोनों सर को रखते हुए जितना झुका सके कमर को। इसका मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अब हमारी चौथी स्थिति है अश्व संचालनासन। इसमें हमें अपने दोनों हाथों के बीच राइट पैर को आगे रखते हुए उसके मंत्र रखते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है, ऊपर की ओर देखते हुए ये करना है। इसका मंत्र है ओम भानवे नमः। अब इसके बाद हमें अपने इस पैर को पीछे ले जाके पांचवा आसन है दंडासन। इसका मंत्र है दंडासन का ओम खगे नमः। अब इसके बाद हमारी दूसरी स्थिति है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में अपने दोनों घुटने को रख देना है, एड़ियां ऐसी हुई। हम लोग को अब अपने छाती को छुआते हुए इसमें आप चिन्ह लगा के सामने की ओर देखना है। इसका मंत्र है ओम पूषणे नमः। इसके बाद हमारी दूसरी स्थिति है हम लोग को अपने हाथों को यहाँ रखना है। इसके बाद हमारा ये आसन है, हमारे इस आसन का जो नाम है वो है भुजंगासन। इसका मंत्र है ओम हेने गर्भाय नमः। ऊपर की ओर से हमें देखना है ऐसे। नेक्स्ट है हम लोग का पर्वतासन। पर्वतासन में हम लोग को हाथों को और आगे ले जाना है, पैर को ऐसे खड़े करते हुए हाथों को और आगे ले जाए, सर को एकदम नीचे करना है। इसका मंत्र है ओम मरीचाय नमः। अब इसके बाद हमारा जो आसन है अश्व संचालनासन। अश्व संचालन में हम लोग को राइट पैर को आगे लाना है, दोनों हाथों को रखना है उसके पास, पैर को और खींचते हुए ऊपर की ओर देखना है। इसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। अब नेक्स्ट जो हम लोग का आसन है इसमें हम लोग को खड़े हो जाना है, एड़ियों को जोड़ के हमारा आसन है हस्तपदासन। हाथों को ऊपर से खींचते हुए नीचे की ओर सर को दोनों हाथों के बीच रख के इसका मंत्र है ओम सावित्रे नमः। अब हमारा नेक्स्ट जो आसन है हस्तोत्तानासन। इसमें हम लोग को हाथों को ऊपर ले जाते हुए कमर को यथाशक्ति झुकाते हुए आसमान की ओर देखते हैं। इसका मंत्र है ओम अकार नमः। अब इसके बाद हमारा लास्ट आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में हम लोग को हाथों को जोड़कर एड़ियां मिली हुई हो सामने देखकर सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इसका मंत्र है ओम भास्कर नमः। सूर्य नमस्कार के अंत में श्वसन अवश्य करना चाहिए। थैंक यू।